अगर किसी का वर्गमूल निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो अगर उसको हम पूर्ण वर्ग में बदल दें, तो उसका वर्गमूल आसानी से इस तरह निकल जाए। ठीक है, एक नया तरीका हम लोग सीख रहे हैं कि जिसका वर्गमूल निकालना है उसको किसमें बदल दें, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग जैसे यह पूर्ण वर्ग है, यह अभी क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना पद होना चाहिए, तीन पद। जैसे पूर्ण वर्ग का आपका कंसेप्ट क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए जी प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर अब समझ में आ रहा है, यह है पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग लाने के लिए दो पद लाने के लिए, जिसमें से नेचर देखिए एक जगह आना चाहिए जैसे ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर के बाद एक जगह क्या होता है, ए पर एक घात, बी पर भी एक घात, और वो टर्म जो है दुगुना होता है। ए बी का क्या है क्या, और डी ने का क्या होता है, डी पर दो घात। तो जहां एक घात रहता है तो यहाँ सवाल इस तरह से देगा कि यह तो आपको पता चल जाता है, या ये भी पता चलेगा और बी का पता नहीं चलता, तो हमको अपने से खोजना पड़ता है। जैसे हम आपको तरीका बता रहे हैं, मान लीजिए एक स्क्वायर प्लस एक है, इसको हमको पूर्ण वर्ग में बदलना है। इसे बदलना है पूर्ण वर्ग, हम बता रहे हैं जरूरत यहाँ भी है, ट्वेल्व में भी ज्यादा जरूरत पड़ता है पूर्ण वर्ग में बदलने। तो यहाँ कितना घात है, और फिर वही वेरिएबल यहाँ दिखाई दे रहा है एक घात। तो जहाँ वो एक घात में दिखाई देता है वह टर्म टू ए बी वाला टर्म होता है। ये दो घात में तो यहाँ क्या है, एक घात। तो जहाँ एक घात रहता है वहीं पर दूसरे गुना रहता है, उसे अभी भी छिपा रहता है। तो यहाँ आपको पूर्ण वर्ग लाने के लिए उस तरह का लाना होगा। तो हम कैसे पहचान रहे हैं, यहाँ दो घात है और यहाँ पर क्या है, एक घात है। तो हम पूर्ण वर्ग में कैसे बदल देंगे, तो सबसे पहले यहाँ दो रहना चाहिए, दो फिक्स पॉइंट है, उसमें कोई बदलाव भी बदल सकता है लेकिन दो बदल नहीं सकता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह लिखेंगे एक स्क्वायर टू गुना एक, दो तो हम लोग अपने से गुना कर दिए, और एक घाट वाला वेरिएबल लिख दिए। अब यहाँ